हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं दिनेश सिंह। दोस्तों आप सभी को काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों दुर्गा पूजा की तरह जमशेदपुर में काली पूजा में भी बहुत खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ आदित्यपुर, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत काली पूजा पंडाल बन रहा है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और चलिए मेरे साथ आदित्यपुर। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ आदित्यपुर ब्रिज में और अभी मैं जा रहा हूँ आदित्यपुर के हरिओम नगर, जहाँ पे इस साल दुर्गा पूजा में आदिवासी थीम पे पंडाल बना था माँ भवानी यूथ क्लब, वहाँ पर ही बहुत खूबसूरत काली पूजा पंडाल बनाया जा रहा है इस साल। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं पंडाल किस तरह से बन रहा है। दोस्तों आज है धनतेरस और 2 दिन बाद ही काली पूजा है। तो कमेंट में आप लोग बताइए आप लोग काली पूजा में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों आप जैसे ही आदित्यपुर ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है पंडाल के लिए। और जैसे आप राइट टर्न लेंगे 100 मीटर अंदर ही खूबसूरत काली पूजा पंडाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, हम जस्ट पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर में आपको पंडाल के पास लेके चलेंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और देखिए ये पंडाल बन के रेडी हो गया है। चलिए सामने से दिखाते हैं पंडाल किस तरह से बना हुआ है, अंदर कैसा डेकोरेशन है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों सामने कुछ इस तरह से थर्माकोल से डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी हम मेन गेट की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं माँ भवानी यूथ क्लब और आप देख सकते हैं पंडाल कितना खूबसूरत बना है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं पंडाल के। दोस्तों देख सकते हैं ये है पंडाल, बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये थर्माकोल वगैरह से पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। और देखिए अंदर से कुछ इस तरह से लग रहा है, चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है, सजाया हुआ है। और सामने का लुक कुछ यूँ है, अभी थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है। देखिए देखिए यहाँ से एंट्री है और उस साइड से एग्जिट है। चलिए अंदर चलते हैं, दिखाते हैं अंदर किस तरह से पंडाल बना हुआ है कि यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। और पंडाल का अंदर कुछ यूं है, ऊपर देखिए कितना सुंदर एक झूमर लटकाने के लिए गुंबद टाइप बनाया गया है और अंदर डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया हुआ है थर्माकोल से। और सामने स्टेज है जहाँ पे माँ का मूर्ति रखा जाएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों ये है आदित्यपुर हरिओम नगर, जहाँ पे दुर्गा पूजा में इस साल अंडमान निकोबर का ट्राइबल कम्युनिटी का पंडाल बनाया गया था, बहुत ही खूबसूरत बना था और आपने बहुत सारा प्यार दिया था मेरे वीडियो को। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए काली पूजा का खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल। दोस्तों अभी लाइट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा आपको अंधेरा दिख रहा है। अब जैसा कि देख सकते हैं चारों तरफ इस तरह से लाइट लगा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लगने वाला लाइट जलने के बाद। दोस्तों ये है आदित्यपुर का बहुत ही खूबसूरत काली पूजा पंडाल। आप लोग जमशेदपुर से हैं तो यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करिए, बहुत ही सुंदर पंडाल इस साल बना है यहाँ पे। और देख सकते हैं डेकोरेशन किस तरह से किया हुआ है काली पूजा में आने में, और जस्ट 1 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे आइए और कमेंट करके बताइए कौन कौन आप लोग आए थे यहाँ। अभी यहाँ से निकलते हैं, ये है एग्जिट देखिए। ऊपर का डिजाइन कुछ इस तरह से बना हुआ है, कह रही आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा मेला भी लगता है दोस्तों। और चारों तरफ से लाइटिंग से सजाया जाता है
बहुत ही सुंदर लगता है ये एरिया देखने में, और ये पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो आपके लिए, जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं यहाँ पे फिर से आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।